फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ नाइट क्रीम के बारे में। क्यों जरूरी होती है, पहला तो हम ये बात कर लेंगे, नाइट क्रीम क्यों जरूरी होती है और कौन कौन सी डिजाइन करी गई है अलग अलग स्किन टाइप के लिए, क्या क्या चाहिए होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट, ऑयली के लिए कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, कैसी आप क्रीम चूज करेंगे मार्केट में। तो चलिए मैं बताऊंगी आपको ये सारी बातें और मैं एक बनाऊंगी ऑल स्किन टाइप क्रीम। ग्लोई स्किन रहे और साथ ही साथ एजिंग प्रॉब्लम ना हो आपको, तो इसीलिए पहले से ही स्किन को प्रिपेयर करिए। स्किन को प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं तो वो तो आपको मेरा सारा वीडियो देखना पड़ेगा, आगे भी बने रहना पड़ेगा कि आप स्किन को अपनी प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं कि आपकी एज ना पता चले किसी को भी आपकी एज का अंदाजा जरा सा भी ना हो कि आप कितने साल की हैं। हाँ, जो घर वाले होते हैं वो तो खैर जोड़ के रख लेते हैं कि हाँ वो उस टाइम की है तो वो मेरी लड़की के साथ की है ये रहता है ना। पर ऐसा रखिए अपनी स्किन को कि देखने वाला समझ ही ना पाए कि आपकी एज कितनी है। एजिंग क्रीम में रेटिनॉल मिक्स रहता है जिससे रिंकल नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम मार्केट में, अगर मेरी स्किन ड्राई है तो मैं कैसे परचेज करूंगी नाइट क्रीम को? मैं जेल बेस्ड नहीं लूंगी ड्राई स्किन में, मैं ऑयल बेस्ड लूंगी, ठीक है। और अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मैं क्या लूंगी? जेल बेस। अगर मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं कोई भी ले सकती हूँ क्योंकि वो सूट हो जाएगी। अगर सेंसिटिव है तो मैं क्या लूंगी? सेंसिटिव में वाटर बेस्ड लूंगी, ठीक है। जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं मैं वो लगाना प्रेफर करूंगी जो नॉन कॉमेडोजेनिक होंगे, ठीक है। तो मैं ये प्रोडक्ट प्रेफर करूंगी लेना, ठीक है। हमारी स्किन 24 आवर ही रिपेयर होती है, पर होता क्या है डे में कि सन एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो यानी कि टैन हो सकता है स्किन में, स्किन पॉल्यूट हो सकती है, तो सारी जो अशुद्धियां होती हैं वो डे में बहुत सारी फेस पे आ जाती है ना। तो जब रात में अगर आप ध्यान करेंगे, अगर जैसे आपको कोई मास्क लगाना है तो आप नाइट में लगाइए, है ना, तो वो पूरी रात भर काम करेगा, ठीक है। आप क्रीम लगाएंगे, कोई भी क्रीम लगाएंगे, रात में बेनिफिट्स ज्यादा रहेंगे क्योंकि आप घर पे रहते हैं उस टाइम, सन नहीं होता है, ठीक है, पॉल्यूशन पास नहीं होता है, तो इसलिए नाइट की क्रीम लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आप दोनों टाइम ज्यादा क्रीम लगाएंगे या जितनी क्वांटिटी में आप लगा रहे हैं दोनों टाइम पर आप ध्यान देंगे स्किन में, तो हमारी स्किन बेहतर हो जाएगी। फिर एक्ने प्रॉब्लम रहेगी, स्कार्स रहेंगे और रिंकल रहेंगे तो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। हम हमेशा मेकअप प्रेफर करेंगे कि हाँ एक दो लेयर लगी होनी चाहिए फेस पे, तब जाके हम किसी के सामने आएंगे, नहीं ना। आपको ओरिजिनल ही इतना अच्छा होना है कि मेकअप की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ, कोई बड़ा फंक्शन है तो आप कर लीजिए मेकअप, वो आपकी मर्जी है, पर आपका स्किन टोन कोई भी हो आप क्लियर लगे, स्किन साफ लग। चलती हूँ अपने किचन एरिया में जहाँ पे मैं बनाऊंगी क्रीम। यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर भर के मसूर की दाल लूंगी, उसके बाद इसको धो लूंगी, रगड़ रगड़ के धो लूंगी, बादाम को भी इसके साथ ही धो लूंगी। फिर मैं इसको एक रात के लिए भीगा हुआ छोड़ दूंगी, दूसरा दिन सुबह मैं इसको यूज करूंगी। मसूर की दाल की क्रीम जब आप स्किन में लगाएंगे तो जितना भी प्रॉब्लम हुई है डे टाइम में तो वो नाइट में रीबिल्ड करेगा हमारे सेल्स को, रीबिल्ड करेगा स्किन को, जितना भी डैमेज हुआ है उसको वो हटा देगा, रिमूव करेगा। ये रिंकल को भी हटाएगा, स्किन को लाइट करेगा और स्किन को हाइड्रेट करेगा। और यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, तो बादाम न्यूबॉर्न बेबी के लिए रिकमेंड करा जाता है कि उसका ऑयल लगाएं जिससे उसकी स्किन डैमेज होने से बचे। और तो आप समझ लीजिए, अगर न्यूबॉर्न बेबी के लिए अच्छा है तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। बादाम डार्क सर्कल को रोकता है और स्पॉट्स को मिनिमाइज करता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक दिन के बाद, एक रात के बाद देख रही हूँ, तो इसमें झाग छोड़ दिया है, ये बहुत भीग चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैंने ये ग्राइंड की वीडियो ऐड नहीं करी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। ग्राइंड करते टाइम मैंने दोनों छिलके बादाम के छील लिए थे, उसको अलग कर रहा है। फिर मैंने 50 ml के करीबन मैंने पानी डाला है और उसको ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड बारीक कर लिया है
और फिर मैं इसको छान रही हूँ। यहाँ पे सूती कपड़ा लिया है मैंने, यहाँ नीचे प्लेट रखी हुई है, प्लेट के ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया है, और अब मैं इसको निचोड़ लूंगी। तो ये जो बारीक मटेरियल है वो मुझे मिल जाएगा, जो स्किन पे एब्जॉर्ब होगा इजिली। और जो मैंने ये निकाल रही हूँ हैंकी वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब में आप मिला सकते हैं, यहाँ पर शुगर का जो भूरा होता है वो मिला सकते हैं, टर्मरिक मिला के लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल मिला के लगा सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये डेड सेल को रिमूव करेगा, स्किन को लाइट और ब्राइट करेगा। यहाँ पर मैंने साइड में पानी रखा था गर्म करने के लिए, तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, अभी उबाल नहीं आया है। तो मैं उबाल आने से पहले पहले इसको मैंने रख दिया है, तो ये साथ में गर्म होगा। करीबन आपको 12 से 13 मिनट लगेगा इसको गर्म करने में, तभी ये अच्छे से गर्म होगा। हाँ, मैंने रोजमेरी इसेंशियल ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल लिया है और ग्लिसरीन लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सन टैन को रिमूव करेगा, और इसमें विटामिन अलग अलग होते हैं जो स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेगा। यहाँ पे मैं 3 ड्रॉप के करीबन रोजमेरी इसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है। अगर रोजमेरी जो इसेंशियल ऑयल है वो डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। यहाँ पर मैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्किन को ग्लोई करने के लिए मैं यहाँ ग्लिसरीन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लिसरीन की क्वांटिटी देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल ले सकते हैं। और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच डालिए जो भी ऑयल लेंगे। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप आधा चम्मच लेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले, और फिर अभी ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, ये गर्म हो चुका है अच्छे से, ठीक है। 13 मिनट लगेंगे, मैंने 13 मिनट बाद इसको फ्लेम ऑफ कर दी है, और फिर अब मैं इसको उतार लेती हूँ नीचे, ठीक है। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि कुछ मोटा सा ना हो, एक जैसा ही हो पूरा, ठीक है। ये जो क्रीम बनने वाली है, अगर स्किन आपकी डैमेज हुई है तो ये उसको रिपेयर करेगी और बहुत अच्छी करेगी, स्किन सॉफ्ट करेगी, स्किन में शाइन लाएगी। ये जो क्रीम है ये आपकी ब्लैक हेड, वाइट हेड्स रिमूव करेगी, क्योंकि इसमें बादाम है। ये एकदम महंगी क्रीम जैसा ही है, जैसे आप बहुत महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, ये सेम वैसे ही है, पर ये बहुत अच्छी होने वाली है। कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी कलर ऐड नहीं करा मैंने, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इसको मैं लगा कर दिखाती हूँ, तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो रही थी, इस ये हल्की सी स्टिकीनेस थी। हाँ, पर नाइट में आप इसका लगाएंगे तो ये अच्छे से पेनेट्रेट करेगी, आपको स्टिकीनेस फील नहीं होगा। और गुडनेस पाने के लिए बना लीजिए, बॉयज़ हों या गर्ल हों, ये पॉकेट फ्रेंडली क्रीम है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।